हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचकट क्लासेस। गाइस, माय नेम इज़ रोबिन सैनी। एंड गाइस, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से सीएसआईआर नेट एंड गेट एग्ज़ाम्स में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक डाल दिया है, यू कैन प्रेस एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, जिससे आपको पता चल जाए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उससे पहले हमें बेसिक्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ओके, सो बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले क्या आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? हम प्लस वन में भी पढ़ा था हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, फिर केमिस्ट्री में पढ़ा था, फिर प्लस टू में भी पढ़ा हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा फिजिक्स में, फिर ग्रेजुएशन में भी पढ़ा। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी कई लोगों को ढंग से नहीं पता होती एक्चुअली होती क्या है, तो इसलिए पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं एंड देन इंटरप्रेट करते हैं क्या कि कोई एटम या मॉलिक्यूल कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है या कौन सी लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है, और उसके बिहाफ पे हम क्या देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, उनकी अरेंजमेंट है, उनको स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with the study with the which deals with the study of which deals with the sorry ऐसे लिखते हैं इसको, observation and interpretation of light absorbed and emitted by an atom and atom or molecule. And by doing this, by doing this, we can throw light on structure of atom. ऐसा करके हम उसके structure पर light डाल सकते हैं कि उसका structure क्या है, उसके उसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है, इनर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है। ओके, सो अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो आती है, उनकी स्टडी आती है अंडर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे किसी एटम में, उनकी स्टडी होती है किससे, एक्सआरडी से, एक्सरे डायफ्रेक्शन। ओके, तो
तो लिखते हैं, चलिए अरेंजमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, इज डन बाय ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा इसमें एक गलती हो गया है, इसे ठीक करना। आई शुड राइट स्टडी ऑफ अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ, तो ये ऐसे स्टडी ऑफ अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स और ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स इज डन बाय ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो थी आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बात, अब आती जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टडी एंड अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स, स्टडी ऑफ मोशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स इज डन बाय एक्सरे डायफ्रेक्शन। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उनकी स्टडी ऑफ देयर अरेंजमेंट एंड मोशन इज डन बाय ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड स्टडी ऑफ मोशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इज डन बाय एक्सरे डायफ्रेक्शन। ओके, सो अदर देन दिस, इनके अलावा हम क्या क्या बता सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं एटम का, ओके, डायपोल मोमेंट बता सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, एंड मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से बताते हैं। तो चलिए लिखते हैं, अदर देन दिस we can know about magnetic moment and dipole moment, angular momentum, and मैग्नेटिज्म ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये सब पढ़ते हैं हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, सो ये था स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और उसकी हम हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं किसी एटम में। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या थी, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन। पहले ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कौन सी लाइट जो एटम है वो एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है, एंड देन ऑब्जर्व करके इंटरप्रेट करते हैं कि अगर वो ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है या ये लाइट एमिट कर रहा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो ऐसा है, अगर कोई और लाइट एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट ऐसा है।
ठीक है. सो स्टडी ऑफ अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स और ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स इज डन बाय ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्टडी ऑफ मोशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स इज डन बाय एक्सरे डायफ्रेक्शन और इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लिख सकते हैं. अदर देन दिस वी कैन नो अबाउट देयर मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिज्म ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच इज डन बाई NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, सो ये तो था स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसे हम कर क्या क्या सकते हैं. और हाँ, एक चीज़ और, एवरी एटम हैज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा. हर एटम का अपना खुद का एक स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है. डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट स्पेक्ट्रा होता है. ओके, सो एक ये पॉइंट था. अब ये तो था डेफिनेशन, क्या क्या कर सकते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से. अब आता है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, कितने टाइप्स के होते हैं स्पेक्ट्रा. टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, सॉरी, उससे पहले एक चीज रह गई यार, चलिए इसे मिटाते हैं. अगर मुझे किसी एटम के स्पेक्ट्रा को स्टडी करना है, मान लीजिए, तो मैं क्या करूँगा. मान लीजिए हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को मुझे स्टडी करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक चैम्बर लूँगा, उसमें H एटम्स लूँगा, H2 गैस नहीं, ध्यान रखिए, H एटम्स लूँगा मैं. ये चैम्बर है, ये इसके अंदर. अब मान लीजिए मैं जो भी इसका स्पेक्ट्रा स्टडी करूँगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा, तो एक स्केल होगा मेरे पास यहाँ पे, जिस स्केल पे मैं क्या देख सकता हूँ कि वो किस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहा है. वेवलेंथ नहीं, मैं फ्रीक्वेंसी बोलूँगा, क्योंकि चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच इज फंडामेंटल. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, और आई शुड राइट विच इज मोर फंडामेंटल. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में से क्या चीज़ ज़्यादा फंडामेंटल है. ज़्यादा फंडामेंटल वो होगी जिसे हम इजीली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है. अब देखिए, मैं कहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज़ मोर फंडामेंटल बिकॉज इट इज़ सी बाई लैम्डा वैक्यूम. ओके, सो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी मीडियम के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है. लेकिन जो वेवलेंथ होती है, दैट चेंजेस विद मीडियम. जो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, हम जनरली ये लिख देते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, लेकिन लैम्डा की तरफ ध्यान नहीं देते कि लैम्डा क्वेश्चन में क्या दिया है. अगर हमें लैम्डा मीडियम में गिवन है तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, नीचे लैम्डा वैक्यूम. ओके, तो ये बात गौर करने की होती है कि
कि जो ये लैम्डा होता है ये वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ होती है। ओके, सो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो फंडामेंटल होती है। अब आप पूछेंगे ये कैसे आया, ये हम निकाल सकते हैं कैसे आया। देखिए, जो हमारा मान लीजिए किसी मीडियम के अंदर हमें लाइट गिवन है, ओके, मीडियम के अंदर लाइट गिवन है और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं न्यू डैश और उसकी वेवलेंथ हमें पता है। तो मान लीजिए मीडियम एयर है, तो लैम्डा एयर इज इक्वल टू वी एयर, एयर में हमें स्पीड पता है लाइट की, ओके, इसको प्रूव कर रहे हैं हम, प्रूफ, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमारा वी होता है वो क्या होता है, सी बाई म्यू, जो मीडियम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, लाइट का। तो हमारे पास मीडियम क्या है, एयर, ठीक है, तो वी एयर को ऐसे लिख दीजिए। अब लैम्डा एयर, लैम्डा एयर और देखिए क्या होती है, लैम्डा एयर इज लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू एयर, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, म्यू एयर, ओके। तो अब इन दोनों को उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो न्यू डैश इंटू सॉरी यहाँ पे लैम्डा वैक्यूम आएगा, वैक्यूम लिखिए, वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू एयर इज इक्वल टू सी बाय म्यू एयर। तो म्यू एयर से म्यू एयर कैंसिल एंड म्यू प्राइम इज सी बाय लैम्डा वैक्यूम, यही हमें देखना था। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी मीडियम में लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। लेकिन देखिए इस फॉर्मूले से देखिए हमें पता चल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो मोर फंडामेंटल है क्योंकि ये मीडियम के साथ चेंज नहीं होती, इसलिए इसे हम कन्वीनियंटली मेज़र कर सकते हैं। और वेवलेंथ क्योंकि मीडियम के साथ चेंज होती है इसलिए हम इसे कन्वीनियंटली मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए जो हम ये स्केल लेते हैं ना स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने के लिए, ये हमारा फ्रीक्वेंसी स्केल, और फ्रीक्वेंसी भी नहीं होता क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा वैक्यूम, वैसे हम ले सकते हैं लेकिन जनरली हम लेते नहीं क्योंकि देखिए ये क्या है, सी 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो स्केल है वो हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, अगर हम सी ऊपर लेंगे तो स्केल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम फिर वेव नंबर की बात करते हैं। वेव नंबर क्या होता है हमारा, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाई सी, तो वेव नंबर क्या हो गया, 1/लैम्डा वैक्यूम। तो जनरली जो हम ये स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने के लिए जो स्केल लेते हैं ना, ये क्या होता है, वेव नंबर स्केल, वेव नंबर स्केल, ओके। और जो लाइट मिलती, जो स्पेक्ट्रा मिलता है हमें वो लाइंस की फॉर्म में मिलता है, वो हमें लाइंस की फॉर्म में मिलता है ऐसे, दीज लाइंस मे बी डार्क और ब्राइट डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा वी आर टेकिंग। हम एमिशन स्पेक्ट्रा ले रहे हैं या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ले रहे हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, ब्राइट लाइंस मिलती हैं या ब्राइट बैंड्स भी बोल सकते हैं हमें, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डार्क लाइंस या बैंड्स मिलते हैं, ओके। सो तो यहाँ से क्लियर है कि हम वेव नंबर स्केल लेके चलते हैं, क्योंकि
क्योंकि स्केलिंग ईजी होती है हमारी। अगर फ्रीक्वेंसी स्केल लेके चलेंगे तो बहुत बड़ा स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन सी सी है ऊपर, वो काम खराब कर रहा है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा हमारा कितने टाइप्स का होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। सो स्पेक्ट्रा हमारा मेनली टू टाइप्स का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अच्छा, तो कुछ इसका डिस्कस करते हैं। पहले मैं बात करूँ एमिशन स्पेक्ट्रा की, तो कोई भी एटम लाइट एमिट कब करेगा, जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए मेरा जो एटम है वो इनिशियली एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए, भाई जब ही तो वो रेडिएशन एमिट करके ग्राउंड स्टेट में आएगा, फिर हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा उसका, हम उसको वेव नंबर स्केल पर नोटिस करेंगे, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो हमारा एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में होगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो फिर हम स्टडी करेंगे उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कौन सी लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसे ही एमिशन में कौन सी लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इन एमिशन स्पेक्ट्रा, आवर एटम शुड बी इन एक्साइटेड स्टेट। जो हमारा एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए, जिससे कि हम स्टडी कर सकें कि वो कौन कौन सी रेडिएशन एमिट कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक ही तरह की रेडिएशन एमिट करेगा, वो डिपेंड करता है कि कैसी कैसी रेडिएशन एमिट करेगा, कि वो कैसा जब ग्राउंड स्टेट में आया तो क्या पाथ फॉलो कर रहा है। मान लीजिए ये हमारी स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स, ओके, हमारा एटम यहाँ है। ऐसा हो सकता है कि ये डायरेक्ट यहाँ आ जाए, ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि पहले यहाँ आए फिर यहाँ आए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, तो ये डिफरेंट पाथ्स फॉलो कर सकता है। तो एक्साइटेड स्टेट में है तो हम सारी फ्रीक्वेंसीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं जो वो एमिट कर रहा है, ओके, सो दैट वी कैन स्टडी अबाउट All types of frequencies it is radiating. सभी प्रकार की frequencies के बारे में स्टडी कर सकते हैं अगर वो excited state में है तो, okay? तो अब मुझे एमिशन स्पेक्ट्रा स्टडी करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो एटम है वो इनिशियली एक्साइटेड स्टेट में हो। तो मुझे कैसे एक्साइट करूँ मैं, तो फिर आते हैं वेज टू एक्साइट एटम। भाई मुझे
पहले एक्साइट तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं वो खुद ही एक्साइटेड स्टेट में होगा पहले से ही। तो वेज टू एक्साइट एन एटम, क्या क्या वेज है? तो पहला तरीका है कि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, जो मैंने सैंपल लिया है चैम्बर के अंदर, तो चैम्बर के बाहर टेम्परेचर बढ़ा दूं। अब टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो एटम्स जो हैं वो एनर्जी गेन करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, यानी कि मैं ऐसे टेम्परेचर बढ़ा दूँ बाहर से, टेम्परेचर दे दिया मैंने इनको, जिसकी वजह से जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम टेम्परेचर रेडिएशन। ओके, ये जो वे है एटम को एक्साइट करने का, इसको बोलते हैं टेम्परेचर रेडिएशन। दूसरा वे होता है हमारा ल्यूमिनेसेंस, एक तो है टेम्परेचर रेडिएशन कि हम बाहर से टेम्परेचर बढ़ाते हैं जिससे एक्साइट हो जाए हमारे एटम्स, दूसरा है ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस कितने टाइप्स के होते हैं? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, कैमिल्यूमिनेसेंस, कैमिल्यूमिनेसेंस एंड फ्लोरसेंस। फ्लोरसेंस नहीं, सॉरी, फोटोल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस। इसके दो टाइप्स होते हैं, फ्लोरसेंस एंड फॉस्फोरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस में क्या होता है, मैं मान लो ये जो मेरा सैंपल है इसमें बाहर से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ चार्ज फ्लो करवा दूं, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं हमारा, हीलियम एटम्स भी हो सकते हैं। ओके, तो चार्ज कुछ फ्लो करवा दूं, जो कि अगर मैंने फिर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, चार्ज फ्लो करेगा, ये जो एटम्स हैं इनके साथ कोलाइड करेगा, और कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी है वो इन एटम्स को दे देगा, जिसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएंगे, और फिर जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे जिससे हम एमिशन स्पेक्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है कैमिल्यूमिनेसेंस। कैमिल्यूमिनेसेंस में क्या होता है, किसी हम रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो अपने जो ये मेरा एटम्स हैं, यानी कि मेरा सैंपल है, हम इसको दे देते हैं। क्या दे देते हैं? जो किसी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो अपने सैंपल को दे देते हैं, जिसकी वजह से जो एटम्स है वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो रेडिएशन एमिट करते हैं, जिस फिर हम स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या कैसी कैसी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। स्पेक्ट्रा का ऑब्जर्व करते हैं वेव नंबर स्केल के ऊपर, ये हमारा होता है, और आगे होता है स्केल, होता है एक वेव नंबर स्केल, इस पर ऑब्जर्व करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट आता है फोटोल्यूमिनेसेंस। फोटोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट की हेल्प से एक्साइट करवाना एटम्स को। ठीक है, तो लाइट डाल देते हैं हम, जो हमारा सैंपल होता है उसके ऊपर,
एलएस मिली और चैम्बर मिली, हमारा जो सैंपल था चैम्बर में लिया, फिर लाइट स्ट्राइक करवा दी। तो जो एटम्स हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, वहाँ से जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो एनर्जी एमिट करेंगे, जिसकी वजह से हम एमिशन स्पेक्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स होते हैं, ये हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड। ओके, ओके, तो ये था हमारा वेज टू एक्साइट आवर एटम, एक्साइट करके हम उसका इमिशन स्पेक्ट्रा ले सकते हैं। चलिए थोड़ा पहले और स्टडी करते हैं इसको, कि इसमें हमारे बैंड्स कैसे होते हैं और बैकग्राउंड कैसा होता है। तो ये मेरा चैम्बर में क्या था, मेरे एटम्स थे, हाइड्रोजन एटम लेके चला था मैं, क्योंकि मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहा हूँ। ये मेरा क्या है, वेव नंबर स्केल है। ये एटम क्या है, मैंने एक्साइट कर दिए थे क्योंकि स्टार्टिंग में बाय अप्लाइंग वेव्स ऑफ एक्साइटिंग, जो कि क्या क्या थे, टेम्परेचर, रेडिएशन एंड ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस तीन टाइप की थी, तो उनसे मैंने इसको एक्साइट कर दिया था। तो ये एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे। मान लीजिए ऐसे रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, अब ये जो रेडिएशन एमिट की, यानी कि फोटोन एमिट की हम यूँ भी कह सकते हैं, तो जब ये फोटोन स्क्रीन पर जाकर टकराएंगे तो ऑब्वियसली हमें ब्राइट स्पॉट मिलेंगे, यहाँ पे ब्राइट बैंड्स मिलेंगे, वी कैन से। तो ऐसे ऐसे ब्राइट बैंड्स मिलेंगे हमें, ठीक है। ये क्या है हमारा, वेव नंबर स्केल, वेव नंबर स्केल। ओके, और तो एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर जो बैंड्स मिलेंगे वो तो होंगे ब्राइट इन कलर, और जो बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है, इट विल बी डार्क। तो ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैकग्राउंड। ओके, सो ये था एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में, आज इतना ही कर पाएंगे हम गाइस, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कल ही अपलोड हो जाएगी ये, डोंट वरी। और इसके साथ हम कुछ बोर्ड्स के पोस्टुलेट्स भी डिस्कस कर लेंगे कल। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कोई प्रॉब्लम है आपको तो, और सब्सक्राइब टू अवर चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।